इन दोनों बिग बॉस 10 के विजेता मनवीर सिंह गुर्जर सुर्खियों में हैं। एक तरफ उन्होंने अपनी शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी है, तो वहीं पुलिस ने आईपीसी की धारा 341 के तहत उन पर केस दर्ज कर लिया है। मनवीर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर फैंस के सामने अपनी शादी की बात को कबूल कर लिया है। वीडियो में मनवीर ने कहा कि मैंने कभी शादी को नहीं छुपाया। साल 2014 में फैमिली और कुछ इमोशनल रीजन की वजह से शादी हुई थी, लेकिन 4-5 महीनों बाद ही उनकी पत्नी की तरफ से रिलेशन खराब हुए और हम अलग हो गए। मेरी शो में जाकर शादी की बात छुपाने की कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। फिलहाल तेज फीवर के चलते मनवीर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट कर मनवीर ने बताया कि उन्हें फूड पॉइजनिंग के चलते एडमिट कराया गया है, तो वहीं मनवीर पर पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 341 के तहत केस दर्ज कर लिया है। दरअसल मनवीर के लिए नोएडा सेक्टर 46 के एक पार्क में सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें 40 वाहनों की इजाजत दी गई थी, लेकिन मनवीर के परिवार वाले और दोस्त तय सीमा से 25 गुना ज्यादा वाहन लेकर पहुंच गए, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा और काफी हंगामा किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मनवीर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी थी। फिलहाल मनवीर गुर्जर की शादी से जुड़ा जो वीडियो सामने आया है, वो हॉस्पिटल में मनवीर के एडमिट फोटो के सामने आने के 3 घंटे बाद ही शेयर किया गया है। ऐसे में पुलिस से बचने के लिए मनवीर के अस्पताल में भर्ती होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखते रहिए DB Live।